अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो आज आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत व्लॉग लेके आई हूँ, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अनारकली में। और सबसे पहले तो रास्ते में मैंने देखा एक खूबसूरत सा फव्वारा, जिसको देख के मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। और इसके साथ ही यहाँ पे एक क्लॉक थी, बहुत खूबसूरत थी यार, उसको देखने का बहुत था। बट अब मैं अनारकली पहुँच चुकी हूँ, अब हम लोग चलेंगे अनारकली के अंदर। सो अब आपको ये व्यू दिखा रही हूँ मैं खिड़की के अंदर से। पहले बाहर का दिखाया, अंदर से हमारे आने से पहले ही किसी की बर्थडे हो रही थी, सो अब साफ़ सफाई कर रहे थे कि बेचारे वेटर्स, ये मुझे इन पर बहुत तरस आता। खैर छोड़ें, तो ये थी फर्स्ट इनकी पिक्चर, बहुत ही खूबसूरत थी इनकी पिक्चर। सीरियसली ये बिल्कुल अनारकली वाला जो था ना माहौल बना हुआ था, बिल्कुल लाइट्स कम, बिल्कुल वो म्यूज़िक, वो सब कुछ, बिल्कुल मुझे लग रहा था कि यार पता नहीं किसी और जगह पे आ गई, ऐसे लग रहा था किसी और दुनिया में आ गई। इनकी जो छत के ऊपर लाइटिंग भी बहुत खूबसूरत थी, और यार इन दोनों के अनारकली और इसके उसकी बहुत ही खूबसूरत वीडियोज़ और पिक्चर्स थी, जो कि पिक्चर जिन्होंने वॉल पे लगाई हुई थी बहुत खूबसूरत थी। और इन्होंने जो छत पे काम किया वो भी अमेजिंग था। यहाँ का जो रेस्टोरेंट है बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अच्छा फूड है, बहुत अच्छी सर्विस आपको देते हैं। और मैं आपको रिकमेंड ये करूँगी कि आप लोग जाएँ यहाँ पर। और इनकी यार ये पिक्चर बहुत हसीन लग रही थी, बार बार मुझे ना इसको क्लिक करने का दिल करता है। ये अनारकली वाह क्या थी यार। अब हम लोगों ने मेन्यू खोला कि यार फिर डिसाइड करते हैं खाना क्या है। खैर मैंने बोला मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा कि मैं क्या मंगवाऊँ। खैर फिर भी हम लोगों ने कुछ ना कुछ मंगवा लिया, गुस्सा आया मैंने बंद कर दिया। खैर अब हम लोगों ने ये सब कुछ मंगवा लिया था, कढ़ाई मंगवाई थी, नान मंगवाए थे, एंड हम लोगों ने मंगवाई थी बिरयानी, जिसको मेरे ख्याल से मटका बिरयानी कहते हैं, आई थिंक सो, मुझे याद नहीं है, मंगवाई थी मुझे याद नहीं। खैर अब इसको हम करेंगे अनबॉक्सिंग इसकी। तो अब हमने अनबॉक्सिंग की तो यार ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, क्योंकि पता है बिरयानी लवर हूँ और मुझे वैसे बिरयानी बहुत पसंद है। तो जब मैंने ये देखी तो मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया, मैंने कहा यार अभी दो मुझे, किस चीज़ का इंतज़ार है। खैर थोड़ा वेट करने के बाद अब हम लोगों ने इसको जो है मिक्स मिक्स किया, यार इसको खाया जाए, इसको टेस्ट किया जाए, अरे कैसी है। मैं तो कहूँ यार जल्दी कर लो, दोनों कितना देर क्यों कर रहे हो। खैर कोई नहीं, मैं देखती रही, मैंने कहा यार तुम लोग जल्दी से डालो, मैं भी डालूं, लेकिन वो इतना आहिस्ता आहिस्ता डाल रही थी। खैर कोई नहीं, मैं फिर इनकी प्लेट को देख रही कि यार ये कब मेरे हाथ आएगा और मैं अपने लिए डालूंगी। खैर फाइनली थोड़ी देर बाद इन्होंने मुझे भी सर्व करके दी कि यार ये लो क्या याद करोगी तुम, देखा बिकॉज मैं खाती इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन बिरयानी लवर हूँ तो इसलिए ज़रा मुझे भी चस्का चढ़ जाता है खाने का। खैर गाइस सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, बट आप लोगों को एक लाइक करने में पता नहीं क्या होता है। और ये था मेरे पास, क्या कहते हैं इसको, था पता नहीं क्या, रायता, रायता था। और मैंने क्या रायते को टेस्ट किया जाए ये कैसा है, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन यार ये खट्टा था। अब देखो ये मेरी कुलीग का काम, ये मेरे मुँह में छुरी दे रही है यार, मैं इंसान हूँ। अब जब मेरे सामने बिल आया तो मेरी तो बैंड बज गई, अभी मुझे कह रही है तुम खाओ साथ, यार कबाब खा चुकी ना और कितने खाऊं। खैर अब वॉशरूम गई, मैंने कहा यार आपको वॉशरूम के नज़ारे दिखाया जाए। खैर वॉशरूम पहुंच चुकी थी और यार इनका काम वॉशरूम में अनार गली जैसा काम था, बिल्कुल यार बहुत खूबसूरत, मतलब सारा कुछ उन्होंने पुराना पुराना किया हुआ था, हर चीज़ पुरानी की थी जैसे उस ज़माने में होती थी। और सच में मुझे ये सब इतना पसंद आया कि मेरा दिल कर रहा था मैं इस वॉशरूम के अंदर ही रह लूँ, लेकिन यार गाइस ये तो बाहर का था ना, लेकिन इनका वॉशरूम तो वो सच में बहुत ज़्यादा छोटा था, लेकिन इस होटल की सर्विस बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा। अब मैंने कहा यार अब वो भी तंग आ गई मुझसे कि जाओ यार तुम चली जाओ यहाँ से। खैर अब निकलते वक्त मैंने कहा यार चलो वीडियो बनाई जाए, तो अब मैं यहाँ से उतरी, लेकिन मेरा जाने का बिल्कुल दिल नहीं था, मेरा दिल था मैं यहाँ पर ही रह जाऊँ। अब मुझे यहाँ पर वेटर नजर आए जो बेचारे मुझे देख के हाजिर थे, मैंने कहा यार इनको भी बीच में ले आओ, कोई नहीं। अब हम लोग यहाँ से बाहर चढ़ते हैं, मुझे समझ में नहीं आती अगर कोई बंदा वीडियो बना रहा है सारी आवाम जब आपकी तरफ ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखेगी तो आप लोगों को शर्म तो आ जाएगी। अभी सब मेरे मुंह को देख रहे थे और मुझे इतनी ही लिटरली शर्म आ रही थी, यार क्या हो गया, एक बंदा वैसे ही कन्फ्यूज़ हो रहा है, पर तुम लोग देखते हो। अब यहाँ से वेटर आने ने मेरे दरवाज़ा खोल दिए, यार कैलिश भाई है खोल दो, मेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया। खैर आगे से जाके ना आगे भी दरवाज़ा उन्होंने मिले खोला हुआ था कि हाँ ये रिश्ता आप आई हैं बहुत इज्जत से, अब चले जाएं। मेरा तो दिल कर रहा था मैं इधर नीचे ज़मीन पे बैठ जाऊं। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो।